नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई, दिन शनिवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिराग ने अमित शाह का किया समर्थन, विपक्षी एकता को लेकर कही ये बात। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विपक्षी पार्टी नीतीश सरकार पर लगा रहे आरोप। शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री को कह दी ये बात। नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों को दी यह सलाह। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। चिराग ने अमित शाह का किया समर्थन, विपक्षी एकता को लेकर कही ये बात। बीते ही दिनों लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। दरअसल अमित शाह द्वारा नीतीश कुमार को पलटू राम कहे जाने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन सभी लोगों को धोखा देने का काम किया है जिनकी मदद से वे आगे बढ़े। वहीं विपक्षी एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार थोड़ी गंभीरता विपक्षी एकता को लेकर देखने को मिली है। इससे पहले सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सब साथ आते थे, लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन आने वाला समय ही तय करेगा कि इन बैठकों का क्या नतीजा निकलता है। एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है। राज्यों में जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, लेकिन चुनाव में जाने तक सभी एकजुट रह पाते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति बन पाएगी। ऐसे में एकता बनी रहती है तो चुनाव आते आते धराशायी हो जाती है, यह देखना होगा। सुशील मोदी ने बताया अमित शाह की रैली से डर गए हैं नीतीश कुमार। बीते ही दिनों जदयू की तरफ से अमित शाह को मुंगेर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई थी। वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी जदयू को लेकर सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह की रैली से डर गए हैं। पिछले 14 सालों से एक बार भी विधायकों का समय तक नहीं दिया गया और आज खुद बुला रहे हैं। जदयू का कोई भविष्य नहीं बचा है। नीतीश की पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो अपने विधायकों को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो अपना उत्तराधिकारी भी बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू नीतीश पर लगाए ये आरोप। बिहार में शिक्षा नीति में हुए बदलाव और नई नियमावली लागू होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश लालू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद करने की कहानी लिखने वाले बड़े भाई और छोटे भाई आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या कर रहे हैं दोनों भाई। पहले तो इन अभ्यर्थियों को 4 साल लटकाया और फिर भटकाया, और जब नौकरी की स्थिति बनी तो फिर नए नए नियम लगाकर उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी के मेधावी अभ्यर्थी हैं ही नहीं, क्या बोलकर बिहार का अपमान करने का काम किया गया है। जो बिहार पूरे देश को आईएएस आईपीएस की फौज देती है, वैज्ञानिक को टेक्निकल हैंड देते हैं, खुद बिहार को आप अपमान कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एनडीए पर लगाए यह आरोप। अपने एक दिवसीय दौरे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरे बड़े भाई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि दम है तो अमित शाह मेरे खिलाफ पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल और सहरसा कहीं से चुनाव लड़े और जीत कर दिखा दे। आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह को लगता है कि वे बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे तो मैं उन्हें बिहार से चुनाव लड़ने का निमंत्रण देता हूं। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी एनडीए की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अर्धसैनिक बल डराने का काम करती है। इतना ही नहीं, फिल्मिस्तान संस्थान के जरिए केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। अब तो वीर सावरकर की फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विपक्षी पार्टी नीतीश सरकार पर लगा रहे आरोप। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है। बड़े पैमाने पर मनचाही पोस्टिंग कर सरकार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता को बढ़ावा दे रही है। जिस इंजीनियर के कारण 1700 करोड़ का पुल गिरा, सरकार ने उसको विजिलेंस अभियंता प्रमुख बना दिया है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार की बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अराजकता माहौल बना दिया है। ललन सिंह ने पीएम मोदी के विदेशी दौरे को फोटो सेशन दिया करार। विपक्षी एकता की बैठक को बीजेपी ने फोटो सेशन करार दिया था। अब ललन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर फोटो सेशन करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी विदेशी दौरे पर सिर्फ अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाने के लिए किए जाते हैं और उसे सरकार की उपलब्धि बताते हैं। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर देश की जनता के सवालों का जवाब मांगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी बैठक को लेकर कहा कि 23 जून को बैठक एक सफल बैठक थी, जिसमें सभी दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर लोकसभा 2024 का चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने पर पूर्ण रूप से सहमति जताई है। इसके विरुद्ध आपकी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से आपकी घबराहट का स्पष्ट संकेत है। नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों को दी यह सलाह।
एक अनी मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन जदयू विधायकों को एक बैठक पर बुलाया। यहां उन्होंने जदयू विधायकों को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर तैयारी करने की सलाह दी और मौजूद विधायकों के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों सहित समस्याओं की जानकारी ली। दरअसल नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत ले लिए अभी से जुट जाए। साथ ही विधायकों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में से दे और उनके पास किसी तरह की समस्या सामने आए तो उसकी जानकारी से तुरंत अवगत करवाएं। बीजेपी प्रवक्ता ने जदयू पार्टी को लेकर किया बड़ा दावा। जदयू विधायकों को नीतीश कुमार ने जब से अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया है उस वक्त से सियासत में इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अब इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब से लालू की गोद में बैठकर राजनीति शुरू की तब से जदयू के नेता सांसद विधायक एमएलसी असहज है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीतीश तेजस्वी को सीएम बना देंगे और जदयू का आरजेडी में विलय करवा देंगे। मुख्यमंत्री को पता है कि जदयू में टूट हो रही है, ऐसे में वे सभी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के हाथ से बिहार की राजनीति फिसल चुकी है। शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री को कह दी ये बात। नई शिक्षक नियमावली को लेकर अभ्यर्थी काफी आक्रोशित होते दिख रहे हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती में हुए इस बदलाव को लेकर साफ तौर पर कह दिया गया है कि बिहार के छात्रों में गणित, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बिहार के छात्र योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि योग्य अभ्यर्थियों के नहीं मिलने के कारण इन विषयों की सीटें खाली रह जाती थी। इसके बाद सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। अब देश के कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनकी बहाली होगी। इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षक मंत्री को दिवालिया भी दिया है। दरभंगा एम्स को लेकर अश्विनी चौबे ने कही ये बात। बिहार में कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार में तकरार देखने को मिलती है। अब इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सभा को संबोधित करते हुए दरभंगा एम्स के मामले को सामने लाया। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दरभंगा एम्स के मामले पर हमने प्रधानमंत्री से स्वीकृति दिलाई थी। बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ अग्रीमेंट भी किया, कुछ जमीन भी दी थी, उसमें से आधी तो रजिस्ट्री कर भी दी गई थी, लेकिन बाद में मुकर गए। इसका शिलान्यास तो नरेंद्र मोदी करेंगे, इस कारण नीतीश कुमार मुकर गए क्योंकि उन्हें थप्पड़ लगेगी। उन्होंने ऐसा जमीन दे दिया जिस पर निर्माण ही ना हो सके। आगे उन्होंने बताया कि कल ही प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स के निर्माण की समीक्षा की है और कहा कि दरभंगा में किसी भी कीमत पर बनकर ही रहेगा। राज्यपाल हाउस में सुशील मोदी और सीएम नीतीश के मुलाकात पर आरसीपी सिंह ने कही ये बात। जहानाबाद पहुंचे आरसीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर कहा कि वापसी संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाजार में उनका भाव बना रहे हैं, इसलिए वह इस तरह का सगुफा छोड़ते रहते हैं। जिनके साथ में गठबंधन में है उन पर अपना धौंस दिखाने के लिए इस तरह का वे काम करते हैं। आगे उन्होंने राज्यपाल भवन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के मुलाकात को लेकर बताया कि दोनों का राज्यपाल के आवास से मिलना केवल एक संयोग था। वहीं सीएम नीतीश और जदयू विधायकों के मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से विधायक की मुलाकात तो दूर, उनसे मंत्री भी नहीं मिल पाते हैं। नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं, इनसे पार्टी का कोई आदमी खुश नहीं है। आरके सिन्हा ने बिहार को लेकर कह दी यह बात। पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी बातें कही जो बिहारियों को हैरान कर देगी। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहारी होने के कारण कई जगह इसके दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं, लेकिन उन्हें बिहारी होने पर गर्व है तो इस प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। आगे उन्होंने बताया कि SIS 11,000 करोड़ की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बिहार में है। कई बार उन पर दबाव आया कि हेडक्वार्टर को बदला जाए, लेकिन उन्होंने हेडक्वार्टर को नहीं बदला क्योंकि उन्हें पता है कि वह जो कंपनी को हजारों करोड़ टैक्स देते हैं उसका 45% स्टेट को मिलता है और बिहार से वह बाहर चले जाएंगे तो बिहार को नुकसान होगा। आगे उन्होंने बताया कि बिहार की जो छवि है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कारण बिहार की एक गलत छवि देश और दुनिया में है। पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर खड़े किए सवाल। पथ निर्माण विभाग के तबादले को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री रहे नितिन नवीन ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने पुल धराशायी मामले को लेकर कहा है कि सुल्तानगंज अगवानी पुल के धराशायी होने पर सो कॉज किए गए तत्कालीन पुल निगम के MD नीरज सक्सेना को पथ निर्माण विभाग में प्रभारी चीफ इंजीनियर क्यों बनाया गया। आगे उन्होंने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि अधिकारियों के तबादले जून महीने में होते रहे हैं, विषय उसका नहीं है, विषय है कि नेता गायब है और तबादला हो रहा है। पीएम मोदी के बयान का ओवैसी ने किया पलटवार। अभी हाल में ही पीएम मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता की वकालत की थी और पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों का एक वर्ग पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मुस्लिम गरीब हैं और ऊंची
जाति के मुसलमान तो ओबीसी हिंदुओं से भी गरीब हैं। आगे उन्होंने पीएम मोदी के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे पूरे देश के पीएम हैं। फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 40% क्यों कम कर दिया, क्यों उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलित मुस्लिम के आरक्षण का विरोध किया, क्या वे सामाजिक अन्याय का दोष भी यूसीसी पर डालेंगे। बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, मोदी सरकार के कार्यकाल के पूरे 9 साल होने पर बीजेपी देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर अपने द्वारा किए गए कामों की उपलब्धि गिनवा रही। अब इसी कड़ी में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के शिक्षा मंत्री नीतीश लालू और तेजस्वी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का शिक्षा मंत्री मूर्ख है, किसने इसे शिक्षा मंत्री बनाया। इतना कहने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू, लालू यादव को उल्टू और तेजस्वी यादव को सल्टू कह दिया। उन्होंने चारा घोटाले की बात करते हुए उल्टू राम से चारा घोटाले का पैसा पहले उल्टी कराया जाएगा, फिर उसी पैसे से बिहार का विकास किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो पूरे नहीं होने वाले। चुनाव के बाद सभी नेपाल की तराई और बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, अविनाश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान। चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई से विपक्षी दलों को डराने के आरोप लगाए हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।